जिस कलह को खत्म करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी वो अब फिर से शुरू हो गया है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने रविवार को कहा कि अगले चुनाव को नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा। इस पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जाखड़ ने कहा कि रावत का ये बयान हैरान कर देने वाला है। ये न सिर्फ मुख्यमंत्री के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश है बल्कि चरणजीत सिंह चन्नी के उनके सीएम पद पर नियुक्ति के अधिकार को भी खारिज करने की कोशिश है। सुनील जाखड़ ने इस संबंध में एक पोस्ट के जरिए सवाल खड़े किए हैं कि क्या पंजाब में दलित सीएम पार्टी की तरफ से महज औपचारिकता है। जाखड़ के इस बयान के बाद पंजाब कांग्रेस में नई बगावत की नींव पड़ गई है। अब हरीश रावत पहले भी कैप्टन की अगुवाई में चुनाव लड़ने का बयान दे चुके हैं और उसके कुछ दिन बाद कैप्टन को कुर्सी गंवानी पड़ी। हरीश रावत के अगला चुनाव सिद्धू की अगुवाई में लड़ने के इस बयान को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने क्या नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को नाइट वॉचमैन बनाया है। वहीं जाखड़ के इस रुख के बाद उनके भतीजे अजयवीर जाखड़ ने पंजाब किसान कमीशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। देखिए, चेहरा कौन होगा ये घोष ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये काम हमको नहीं करना होता है। लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। नहीं पता नहीं, 16वें मुख्यमंत्री ने पंजाब में शपथ लिया है और पंजाब की राजनीति तो अब लगता है समाप्ति की ओर है और साल भर के भीतर चुनाव होना है, तो मुझे लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण कांग्रेस का वहाँ विनाश का दिख रहा है। और कप्तान नहीं रहे तो स्वाभाविक तौर से वहाँ कोई कप्तानी ना हो, वैसी स्थिति में वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। परंतु लोकतंत्र में कोई भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी पार्टी का बनता है। देखिए, पंजाब में कांग्रेस की महाभारत बहुत पुरानी है और ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि कैप्टन और सिद्धू की जो लड़ाई थी उस कारण पंजाब के अंदर पिछले 4.5 साल तक कोई काम नहीं हो पाया। मगर दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी ये लड़ाई थम नहीं रही है। तो जिस तरह से इन्होंने 4.5 साल बर्बाद किए, मुझे लगता है कि आने वाले 6 साल भी अब सिद्धू साहब की, कैप्टन साहब की और चन्नी साहब की लड़ाई में जो है पंजाब का जो है नुकसान होगा। क्या ये मुद्दा अभी भी उलझा हुआ है क्योंकि सीएम का नाम घोषित कर दिया गया? खास पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ, पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता एसएस चन्नी जुड़े हैं और अमरदीप धरनी अकाली दल प्रवक्ता, आप प्रवक्ता परमवीर सिंह जुड़ गए हैं। आशीष के पास चलेंगे सबसे पहले। आशीष, मुद्दा सुलझने की बात कही गई थी, यहाँ पर फिर से ये उलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बयानों का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ एक बार फिर से लग रहा है कि जब पंजाब में चुनाव लड़े जाएंगे तो सीएम का चेहरा बदला हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से कोमल, कहीं ना कहीं यही उम्मीद जताई जा रही थी कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा तो जो विधानसभा चुनाव है वो नए मुख्यमंत्री के फेस पर ही कांग्रेस लड़ सकती है और उम्मीद यहाँ तक थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को ही शायद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 24 से 48 घंटे में सियासी समीकरण बदले और चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी खुली, वो मुख्यमंत्री बन गए। अब हरीश रावत ने कल जो एक स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने लगभग ये स्पष्ट कर दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है पंजाब में कांग्रेस का, तो नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेहरे पर पार्टी चुनाव में जाएगी। लेकिन अब इसको लेकर जो पार्टी के पंजाब इकाई के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब मुखर होने लगे हैं। सुनील जाखड़ ने सीधे तौर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और यही उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं उनको मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया है तो उनके चेहरे को आगे क्यों नहीं रखा जा रहा। इसको लेकर सुनील जाखड़ ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं
हालांकि कांग्रेस के जो नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि दोनों के चेहरों पर चरणजीत सिंह चुन्नी जो कि मुख्यमंत्री बने हैं और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों के चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन प्रश्न जो खड़े हुए हैं, ये प्रश्न ऐसा आभास दिला रहे हैं सभी सियासी जानकारों को कि कहीं ना कहीं जो सियासी विवाद था कांग्रेस पार्टी का, यानी कि अंतर्कलह थी, वो खत्म होने की बजाय एक बार फिर अब दोबारा शुरू होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना यही होगा कि आगे की रणनीति पार्टी की क्या रहेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अर्शदीप खड़ियाल भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अर्शदीप जी, कांग्रेस में जहां शांति की उम्मीद की जा रही थी, एक बार फिर से वहां पर मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, ये जो बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये लग रहा है क्या चुनाव जब आएंगे तो नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा? क्या चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर नियुक्त किए गए हैं? चन्नी साहब दोनों फेस होंगे हमारे पंजाब के गुजरात इलेक्शन। दूसरी बात, चन्नी साहब को जब हमने सीएम बनाया तब बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने काली दल ने पत्ती जताई इस चीज को लेकर के। अब उनको, उनका तो वही हाल है कि अगर उनको हटा दे तो बुरे हम, अगर उनको हटा दे तो बुरे हम, तो अकाली दल का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑल दिस मतलब नहीं, डेवलपमेंट से मतलब नहीं, इनको सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पंजाब की, उससे मतलब कोई नहीं है, बिकॉज इनके पास मुद्दे की बात नहीं है, प्रोपोगंडा फैलाते रहते। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि चन्नी साहब एक बहुत छोटे घराने से आते हैं और छोटे घराने से आते हैं, उनके सर पे छत नहीं थी, उन्होंने रिक्शा लेजिट कुछ, I am able to hear my own voice, there is a technical glitch। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, तब तक हम दूसरे प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन लेते हैं। लेकिन उससे पहले परमवीर सिंह जी, आप प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। परमवीर जी जी बोले। मैम आई कुड नॉट टेक योर क्वेश्चन जी, सवाल नहीं। अर्शप्रीत जी का कहना, जो बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, उन्होंने पार्टियों को लेकर कहा, फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि अब जो कांग्रेस को लेकर बयान शुरू हो गए हैं, एक बार फिर से क्या चेहरा बदला हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ अब सवाल सीधा ये खड़ा हो रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए गए, क्या ये सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई है? मैम सबसे बड़ी बात ये है, कांग्रेस ने आज दो चीज प्रूव करी। सबसे पहले तो उन्होंने आज इस बात को कबूल किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की सरकार 4.5 साल में बुरी तरह फेल हुई, इसलिए कैप्टन साहब को उतार के इस बात पे उन्होंने अपनी ही बात पे मोहर लगाई। दूसरी चीज, चरणजीत सिंह चन्नी जी जो बड़ा आज सारे कांग्रेसी लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं कि जी दलित प्रेम, सीएम अभी मेरे जो कांग्रेस के भाई, उन्होंने बात की, मुझे थोड़ी बात इंसल्टिव लगी कि वो छोटे घराने से आते हैं, छोटा बड़ा घराना कोई नहीं होता सर, हर कोई आप इस सोच में से, रजवाड़ा शाही सोच से थोड़ा बाहर आए, ठीक है, आपके कैप्टन साहब लीडर थे, वो आप लोग ऐसे ही सोचते हैं, कोई छोटे घराने से होता है, बड़े घराने से होता है, आप उनकी कैपेबिलिटी देखें चन्नी जी की, ये बार बार बोलने की बजाय वो दलित है, वो छोटे घराने से है, राइट, तो आप उनको इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हैं, इज्जत देके भी इंसल्ट कर रहे हैं। एक बात बड़ी बात यह है कि जो अभी आप मूव करना चाहते हैं 38% दलित वोट को पंजाब में, तो ये आजादी के 75 साल बाद जो पंजाब में आपका दलित प्रेम जागा है, तो मजा इस बात का आए किसी और स्टेट में, या अभी फर्ज कर लेते हैं कि कभी पंजाब में आपकी सरकार है तो लास्ट 2 महीने एक दलित को देने की बजाय आप पहले दिन एक दलित को शपथ दिलाएं मुख्यमंत्री की, तब मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी इसमें बिलीव करती है। आप ये क्या किसी की गलतियां की हुई एक फेलियर सरकार का एक इंसान पे आपने लाके आखिर में रख दिया, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई ये बात है कि बहुत बड़ा 129 पेज का कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया था 2017 में, लोगों के सवाल वही है, मुख्यमंत्री बदल गए, डिप्टी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बदल गए, कैबिनेट में भी सफल हो जाएगा, लेकिन मुद्दे वही है, बेअदबी पे अभी इंसाफ आना बाकी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, 130 लोग जहरीली शराब से मर गए,
ठीक है, अर्शप्रीत जी की बात सुन लेते हैं। जी अर्शप्रीत जी, आपका जवाब बीच में रह गया था, आपका जवाब सुन लेते हैं, फिर आती हूँ मैं, बाकी के प्रवक्ताओं की भी बात सुननी है क्योंकि अमरदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अर्शप्रीत जी आप अपनी बात पूरी करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, माफ कीजिए, पहले मुझे खुद की आवाज सुनाई दे रही थी, इसकी वजह से मैं अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, मैं अपील करूंगा जरा ध्यान से पढ़ करके आया कीजिए, 38% पॉपुलेशन नहीं है, 32% है, गेट अ फैक्ट स्ट्रेट। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि छोटे घराने से आते आपको कहना नहीं चाहिए, चन्नी साहब ने खुद कहा है और ये एग्जाम्पल सेट किया है कि आम आदमी पार्टी ऐसी चीज नहीं कर सकती थी, SAD नहीं कर सकती थी, BJP नहीं कर सकती थी, पंजाब में पहली बार 70 सालों में एक गलत CM आया है। दूसरी बात, अरे आपके लीडर जो हैं वो तो CM पेस ढूंढते फिर रहे हैं, दुबई के बिजनेसमैन को पूछा वो नहीं माने, आपके भगवंत मान साहब नाराज रहे, आपके MLA छोड़ करके आपकी पार्टी को कांग्रेस में आ गए, आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़ करके आम आदमी पार्टी को कांग्रेस में आ गए, श्रोमणी अकाली दल की नाम की 5 पार्टीज घूम रही है, BJP की एग्जिस्टेंस मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी है 0, और ये कह रहे हैं आपने चन्नी साहब को CM क्यों बनाया। अरे भाई, चन्नी साहब को CM बनाया क्योंकि वो इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, इज केपेबल ऑफ इट, एंड इनकी वजह से जो 8% वादे रह गए थे मैनिफेस्टो में, 92% हैव बीन कंप्लीटेड, 8% रह गए जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सर कौन से 92, कैन यू शो मी व्हिच 92% आर कंप्लीटेड, कैन यू शो मी, मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं, कैन यू प्लीज शो मी, कमाल होगी सर, 92% कौन से कंप्लीट हो गए, जॉन बेल लोगों को बेवकूफ ना बनाए, ये झूठ की राजनीति सामने, और सुखबीर बादल ने भी काम पकड़ रखा है, आए लोगों के सामने झूठ बोले, पंजाब की जनता, देश की जनता पहले को दुनिया पे झूठों पे बलि नहीं करेगी। हैव अरेस्टेड ड्रग पेडलर्स, 48,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं। दूसरा, बेअदबी कांड में यू हैव अरेस्टेड ड्रग एडिक्टेड, यू हैव नॉट ब्रोकन द नेक्सस, यू हैव नॉट कंट्रोल्ड द वेक्सिनेशन बॉर्डर, दिस आईजी जो है परमराज उमरान अंकल, आप जरा पढ़ करके आइए, आईजी आप मरीजों को जेल में डाल रहे हैं, जो नशे में लगे और बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं, मेडल ले रहे हैं हम गरीबों को डाल के, और कई सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब आपसे लेना आवश्यक है। अमरदीप धरनी जी के पास जाएंगे। जी अमरदीप जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं चलेगी। मैं ये बात समझता हूँ कि आज पंजाब को बचाने वाली बात है, ये पंजाब को नहीं बचा रहे, ये कांग्रेस को बचा रहे हैं। देखिए, आप जब से ये कलह शुरू हुई थी, वैसे तो खड़ियाल साहब ने कभी कलह को माना ही नहीं कि पंजाब में कांग्रेस में कोई कलह नहीं है। देखिए, आप देखिए कि जाखड़ साहब को पहले तो वो चेन्नई से वापस बुलाया गया और उनका नाम है जो वो लिया गया, आपका मीडिया बोल रहा था कि उनके पास 40 से 42 सीटें हैं, MLAs हैं, और दूसरी तरफ जो रंधावा साहब थे उनके पास 20 से 22 सीटें थी, और सिद्धू साहब तो 10 पे अटके हुए थे। और पहला कार्ड क्या चला, पंजाब में काबिलियत नहीं देखी गई, पंजाब में कहा गया कि हिंदू को CM चेहरा नहीं बनाना, और पंजाब में हिंदू रहते हैं और बड़ी अच्छी तरह से रहते हैं, और उसको इग्नोर किया गया, और वहां से जो प्रभारी आए अंबिका सोनी, उन्होंने भी यही कहा कि हिंदू को यहाँ पे एक CM नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद उनका रंधावा साहब का नाम आया, रंधावा साहब को नाम आने के बाद फिर सिद्धू साहब ने एक चिट्ठी जारी कर दी कि उनको नहीं बनाना चाहिए, लोग मुझे चाहते हैं। तभी कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं था, तब उन्होंने इनको जो है CM बनाया। देखिए, आज वो CM बन गए हैं, वो CM है, वो दलित नहीं है, वो उनकी कोई जात नहीं है, पात नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो CM है, वो लोगों को अपनी काबिलियत से पंजाब को चलाए, मगर पंजाब का जो हालात है वो बहुत बुरी तरह से, कायदे में जनता का अगर विकास करना है तो जात से पंजाब के हालात सुधारने हैं तो जात पात से ऊपर उठना ही होगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, BJP और आम आदमी पार्टी को सीधा निशाने पर उन्होंने लिया है, और जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में फिर से ये हलचल बढ़ चली है, पंजाब में ये सियासी हलचल कहां तक जाएगी, और इन बयानों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार? सबसे पहले तो मैं सदाचरण जी सिंह चन्नी जी को
जो उनको ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी और चैलेंज के साथ मिली है, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और आस करता हूँ, परमात्मा को भी मैं अरदास करता हूँ कि वो इतने सक्षम हों कि जो 2017 में वादे किए थे लोगों के साथ वो सभी पूरे हों। वो वादे बहुत, ये वैसे तो सारे इंडियन बड़े मोटिव हैं हाईली, और ये पंजाब के लोग भी काफ़ी हैं, और जो सबसे ज़रूरी जो वादे किए हैं, चाहे वो एक नंबर पर बेअदबी का आता है जो सभी को हट किया है और सभी उसके साथ कंसर्न है, फिर कर्जा माफी का आता है, फिर घर घर रोजगार का आता है, फिर PPS का आता है, महंगी बिजली का आता है, और फिर जितने स्कैम्स चले हैं यहाँ उनका आता है। मैं आज ये बातें करने वाला नहीं था, पर एनी हाउ आपका टॉपिक ही ऐसा है, सभी लोग दूसरे भी बोले क्योंकि आज तो उसका पहला दिन है, उसको टाइम भी मिलना चाहिए, को काम करने का मौका भी उसको देना चाहिए। पर जैसे हर्षप्रीत जी वो कांग्रेस वाले मेरे वीर बोल रहे थे कि 92% वादे तो हमने पूरे कर दिए, अगर जिस चीफ मिनिस्टर ने 4.5 साल में 92% वादे अगर उसने पूरे कर दिए तो 6 महीने रह गए, 6 महीने में परसेंटेज निकालिए वो तो वो कर ही देगा, फिर क्या इशू था कि वो कैप्टन साहब को इतना, उनकी स्टेटमेंट देख लो कि ही सेड कि आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, मतलब वो कहते CLP की मीटिंग कर ली अल्टीमेटली, पहले तो दिल्ली बुला के जलील किया और यहाँ बुला के, उसका मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को सुबह पता चलता है कि आज CLP की मीटिंग है 5 बजे। फिर जो हरीश रावत जी ने, जब ये लोग गए थे चरनी भी गए थे, रंधावा साहब भी गए थे, देहरादून, तो आप सभी के फाइनल कमेंट्स, अमरदीप जी आपका फाइनल कमेंट। अमरदीप जी मेरी आवाज मिल रही? जी आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए कोमल, मुझे लगता है कि चन्नी जी को बड़ी स्वतंत्रता से काम करना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए। जो पिछले 4.5 साल में पंजाब की कांग्रेस पूरी तरह से फेल हुई है, उस जो फेल हुई सरकार है उसके जो थोड़े बहुत भी लोगों के काम है अगर वो कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी बात होगी, मगर इनको करने कोई नहीं देगा क्योंकि पंजाब की कांग्रेस बहुत जीतों में मार चुकी है। आज हरीश रावत जो है वो क्या बयान दे रहे हैं, उधर जो सुनील जाखड़ है वो क्या दे रहे हैं, उधर एक कैप्टन साहब का ग्रुप है, आप देखिए कि लास्ट मोमेंट पे अपना ब्रह्मेंद्रा साहब ने अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने फिर सोनी साहब को CM बनाया, तो उनके सामने बहुत चुनौती है। चलिए परमवीर जी आपका फाइनल कमेंट। पहली बात चन्नी जी को बताई, लेकिन इस रस्साकसी में, इस शफल में पंजाब के लोगों को नहीं भूलना चाहिए, पंजाब के जो असल मुद्दे हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है कांग्रेस का दलित प्रेम बड़ा अच्छा लगा, मान सम्मान हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, दलित स्कॉलरशिप का इल्जाम लगा है कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसो जो नाभा से MLA हैं, क्या इसी कैबिनेट से उनको बाहर निकाल के उनके ऊपर कार्रवाई करें कि जो लाखों बच्चों की स्कॉलरशिप का उनके ऊपर इल्जाम आता है, जो दलितों से वादे किए थे 17 में के 5 मरले के प्लॉट देंगे, पक्के मकान देंगे, 800 स्कूल बंद कर दिए कांग्रेस ने सरकार में आते, जिसमें दलितों के, गरीबों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, उस जो एजुकेशन का नुकसान हुआ उसको कैसे भरेंगे, और जो मुद्दे अभी तक पंजाब के 17 के 92% का तगमा तो ले गए, 92% सर इतनी बड़ी एवरेज है परफॉर्मिंग CM की, एक कैबिनेट की, एक सरकार की, तो CM बदला ना जाता अगर 92%। अर्शप्रीत जी आपका फाइनल कमेंट। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। SS चन्नी साहब आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि मसले बहुत ज्यादा हैं, टाइम इनके पास बहुत कम है, पार्टी बहुत बुरी तरह से बढ़ चुकी है और बहुत लीगल इश्यूज हैं उनमें, मैटर्स जितने हैं वो कोर्ट्स में चल रहे हैं, चाहे वो PPA का भी है, चाहे वो BRB का है, चाहे कुछ भी है, और मेरे को बहुत मुश्किल लगता है कि चन्नी साहब, मैं विश करता हूँ वो पूरा करें क्योंकि पंजाब के मसले हैं, पर वो इतने कम समय में
पूरे नहीं हो पाएंगे, और जितनी अगर इतने पूरे हो गए तो फिर तो चीफ मिनिस्टर बदलने की जरूरत नहीं। और इन्होंने तो ये कहा पहले जब ये लोग गए थे देहरादून, आपने बीच में बात काट दी, तो उन्होंने हरीश रावत जी ने कहा था कि अगले इलेक्शन को अर्शप्रीत जी आपका फाइनल कमेंट। ही विल बी द फेस। ठीक है अर्शप्रीत जी आपका फाइनल कमेंट। चलिए आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंची। आशीष जी सभी प्रवक्ताओं की बात सुन ली होगी आपने, क्या कुछ फाइनल कमेंट में? चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के सामने और उनकी जो नई कैबिनेट होगी उनके सामने बड़े चैलेंजेस है, और सवाल यही है कि क्या एक्शन प्लान रहेगा नई कांग्रेस सरकार का। हालांकि जो अभी हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये कि जब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष बने थे तो जो 18 सूत्रीय एजेंडा तय किया गया था हाईकमान के साथ उसमें से 4 या 5 बड़े मुद्दों के ऊपर आज रात तक बड़ा निर्णय पंजाब सरकार ले सकती है और उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है। और ये आप समझ लीजिए किस तरीके से अब जो पूरा का पूरा एक्शन प्लान होगा वो आगे चुनावों की दिशा तय करेगा। बिल्कुल तय करेगा, क्योंकि जो अभी बयान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर कई चीजें सामने आ सकती हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कांग्रेस में क्या शांति बन गई है या फिर और हलचल बढ़ गई, क्योंकि जो बयान सामने है उससे यही लग रहा है कि आगे मुसीबतें और बढ़ सकती हैं और जो चुनावी वक्त रहेगा वो काफी ज्यादा हड़कंप भरा रहेगा, क्योंकि ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।